ब्लॉग, हमारे ब्लॉग में आपका स्वागत है। और हम जा रहे हैं थनाना आश्रम जा रहे हैं, और अभी हम मतलब बस स्टैंड गंगा नगर बस स्टैंड पहुँचने वाले हैं। लगभग आपको दिखाएंगे आज दोबारा फिर जा रहे हैं थनाना का, और आप सब वीडियो हमारे में देखिए। ठीक है, हम भी सेवा के लिए निकले हैं, साथ में अमृत भी है, वे पानी के पानी पी रहा है। और ये रहा जो है जमुनानगर बस अड्डे का रास्ता, इधर से अभी हम पकड़ेंगे 3 नंबर पे जो है जज्जर की बस लगेगी पानीपत की, वहाँ से हम लोग बस पकड़ के निकलने वाले हैं। माय यूट्यूब चैनल हम लोग वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हम लोग आज ये धनाना धाम सेवा के लिए निकलने वाले हैं। हमारे भगत भाई भी साथ में अभी पहुँच रहे हैं जमुनानगर बस अड्डे पे, तो थोड़े ही देर में हम जो है यहाँ से बस पकड़ेंगे, और बस से जो है पानीपत होते हुए जो है गोहाना, और फिर जो है धनाना धाम जो है मतलब वहाँ पहुँचेंगे। वहाँ का भी आपको सारा जो भी होगा मतलब जो है सारे न्यूज हम आपको दिखाएंगे। बस निकल रही है इधर से, पानीपत का हाईवे है, बहुत ही लंबा चौड़ा हाईवे है, काफ़ी दूर तक है ये। बहुत पहली बार फर्स्ट बार उतरूँ यहाँ पे बस स्टैंड पे, और मैंने सोचा दिखा दिया आप सबको। और ये अमृत जा रहा है, अमृत के अमृत के पापा जा रहे हैं, और उनके भाई हैं अमृत के पापा के। बैग लटका पड़ा है यहाँ पे। हमारे वीडियो में बैठे बैठे देखा करो, पानीपत भी घूम लो, पानीपत की भी सैर करा देती हूँ मैं। ये क्या है, पूरा बड़ा सही दिख रहा है, हॉस्पिटल है क्या? लाज ये आ गया पानीपत का बस स्टैंड, इतना बड़ा बस स्टैंड है, हाईवे भी काफी दूर तक है, और हम पहुंच गए, बैठेंगे अपनी बस में, देखते कौन सी बस है हमारी लगी हुई है। सबसे आगे भाग गए, ये भी ना देख रहे मैं कितनी दूर पे खड़ी हूँ। गर्मी है पानीपत में, और ये हम बस स्टैंड हाईवे का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। फ्रेंड्स सब बनी रही है हमारे वीडियो में, थनाना पहुँच के थनाना का वीडियो आपको दिखाएंगे। फ्रेंड्स केले लटका दिए हैं सूखने के लिए, पकने के लिए, और हम यहाँ सोनीपत में पहुँच चुके हैं, और बस स्टैंड पे सोनीपत में। जो करवाना चाहता है ना कॉल पड़ियो भाई, ठीक से वाली बात, ठीक से 1.5 नंबर का इसका चश्मा था रह गया। सुबह शाम का लो जी, ये प्रत्यक्ष न प्रमाण, सुबह शाम का लो सुंदिया जुरु का लो, भले आंख में का लो के सिर के दर्द रहे, और बीपी ने कंट्रोल नहीं करेगी, फिर चाले को फोले को छोटी अगर तरह काट देगा, लो चिरा काट देते अन्य चश्मा तरवा देगी, और बता दो संकेत जरूर बड़ा पड़ी हो जाएगी।
कीमत लेंगे बाजार में मार्केट में, और एक बार तो 180 रुपए की डाक खर्च लगे 200, 400, 600, 700, 800 पर यार्ड से एक शीशी की मात्र 100 रुपया यहाँ चलती फिरती दुकान में कहा जा रहा है चुनाव है 27 माशाल्लाह ग्रह पश्चिम प्रचार करते रहते रहो भैया हम जो भाई ले ये है रिढ़ाना का ग्रीन ग्रीन पानी, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आगे ये पानी पूरा बड़ा सा तालाब है, ये रिढ़ाना पहुंच चुके हैं। बबूल है, वो कीकर है। ये बबूल का पेड़ है, ये कीकर है, बबूल का बिगड़ा रूप बता रहे। ये बिगड़ा नहीं असली रूप है, बिगड़ा रूप ये है कीकर। ये बनाने के चक्कर में यो बस है फ्रेंड, इस बस से हम उतर गए, हम जा रहे हैं रोहतक सिंहपुरा आश्रम में, वहाँ रुकेंगे, उसके बाद फिर जाएंगे सुबह जा पहुँच गए और फिर सुबह जाएंगे साथ में वहाँ बनाना धाम में जाएंगे, वहाँ सेवा करेंगे। अपना सत्संग भी सुनेंगे थोड़ी देर, बहुत अच्छा लग रहा सत्संग आश्रम में। भंडारा तो फुल कर लिया उन्होंने, यहाँ सत्संग सुनेंगे। और ये रोहतक आश्रम में मिल गए, हमें रोहतक में पहुंच चुके हैं। जीव समझावे असंग धर्म छोड़ नहीं पावे, बर में पंथ प्रगट हो वाणी के बारह पंथा में कभी पंथ के नाम से कान घुसेगा और नकली जान देगा मेरे नाम का नाम अनुसार बताएगा। तो अपनी पहली आत्मनिर्भरता को लेकर फिर वापस तो आना कर छोड़ गई उन्होंने उस वाणी का, आंखों ने कहा लिखा जो दास के पास पर है कि ये क्या बताते हैं कि कभी साल ने कहा कि बार में बार प्रकट हो वाणी और सब हमारे अंदर में दोबारा अष्टे कमर यानी मेरी वाणी को मन में पंथ प्रकट हो वाणी और शब्द हमारे कंगन में ठानी हमारे ज्ञान को कोशिश करेंगे समझने की पर अस्थिर कर कमर ना पावे ये बारह पंथ ही को ध्यान गरीबदास हिमालय पंथ में भी कहते हैं मेरी महिमा की वाणी प्रकट होगी लेकिन गरीबदास। ये देखना दोस्तों, एक छोटा सा बच्चा आया भदोही से चलकर परमात्मा की सेवा कर, देखो ये कैसे सेवा करेगा, छोटा सा बेबी है ये भदोही से चलकर आया है। सच्चाई इधर देख, कहाँ से चलकर आई गुड़िया, कहाँ से आई हो? सच्चाई पर सच्चाई पर गंदी बात सच्चाई पर सच्चाई भदोही से चलकर आए हैं परमात्मा के बच्चे सेवा के लिए, यहाँ आश्रम बन रहा है। बताओ हम लोग नहीं आ पाते ना तो सेवा कर पाते हैं। एक छोटा सा कोविड सा बेबी भी आया, गर्मी बहुत हो रही है, कूलर के सामने बैठा है। दलाना धाम पे पहुंच गए हैं, मालिक की दया से आपको दिखाएंगे यहाँ स्वागत को सेवा कैसे करते हैं। आज हम दलाना धाम आए हुए हैं, यहाँ की सेवा चल रही है, ट्रक ट्रक पाली और बड़े बड़े जो है मतलब ट्रक वगैरह से जो है मिट्टी की भराई का काम बहुत ही तेज़ी से यहाँ चल रहा है। और हम लोग जो है पूरे एरिया को जो है देख रहे हैं घूम टहल के, बहुत ही मतलब काफ़ी विशाल, ये देखो कहाँ तक मतलब दीवारें भी खड़ी हो रही हैं और इसके आगे भी ज़मीनें भी मतलब बढ़ती ही जा रही हैं। और आश्रम जो है मतलब बहुत ही तेज़ी से आश्रम का निर्माण किया जा रहा है, आपको दिखाएंगे मतलब सारा यहाँ का। आगे ट्राली भी से वो देखो उधर नींव की भराई भी हो गई है काफ़ी, चलते हैं ले चलते हैं कैमरे को आगे। ये नाली मतलब जो कुछ आगे नाली की व्यवस्था मतलब जो है पानी निकालने का सारा व्यवस्था जो है तैयार किया जा रहा है। ये मतलब काफ़ी दूर के एरिए में ऐसे साहेब बोलो सतगुरुदेव की जय। सभी भक्तात्मा कृपया ध्यान से सुने, दिल्ली से जो भी सेवादार आए हुए हैं जिनकी सेवा फील्ड लगी हुई उनसे प्रार्थना कृपया जल्द से जल्द
फील्ड में पहुंच जाएं। दिल्ली से जो भी सेवादार आए हुए हैं, जिनकी अभी तक कोई सेवा नहीं लगी, उनसे प्रार्थना है कृपया जल्द से जल्द फील्ड में पहुंच जाए। सत साहब बोलो, सतगुरुदेव की जय। और आगे भी जो है, ये अभी मतलब मिट्टी काफी मात्रा में मिट्टी की भराई हो रही है, कम से कम 8 से 10 फीट ऊंचाई तक मिट्टी इसमें भरी जाएगी दीवार के बराबर तक, तब ये जाके सत्संग का प्रारूप तैयार हो जाएगा। और आप बता भी नहीं सकते कितना, मतलब बहुत ज़्यादा ही लंबा चौड़ा एरिया है। आगे आपको दिख रहे होंगे जो डंगर चल रहे हैं, वहाँ भी मिट्टी भराई पूरी जो है मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से हुई की गई है। ये है धनाना धाम। धनाना धाम में इतने सारे भगत आए हैं यहाँ पे सेवा के लिए, बहुत जोर शोर से सेवा कर रहे हैं सारे भगत। इतनी तपती धूप में, कड़कती धूप में सारे भगत यहाँ बहुत अच्छे से, बहुत प्रसन्न चित्त से सब सेवा कर रहे हैं। और यह धनाना धाम का आश्रम, यहाँ भंडार घर है, यहाँ पर भक्तों को खाना की, खाने पीने की व्यवस्था और रहने की व्यवस्था दी गई है। और आज हम धनाना धाम यहाँ से रवाना हो रहे हैं। धनाना धाम में जैसे ट्रेन से आप देख सकते हैं, ट्रैक्टर ट्राली बस सारा कुछ यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ सारे भगत, यहाँ इतना बड़ा पूरा फ्लैट है जो यहाँ से सारा आश्रम बनेगा मालिक की जैसा। और ये मेरी बस पीछे खड़ी हुई और बैठ के जाएंगे, फिर रोहतक आश्रम से नहीं निकलेंगे और वहाँ भी बस लगी हुई है मेरे साथ। यहाँ देख सकते हैं बसों की सेवा, फ्री सेवा लगी हुई मालिक की देश है, सब परमात्मा का ही बस है। और इसमें बैठ के जाएंगे रोहतक आश्रम और फ्रेंड्स, अब हम अपने घर पहुंच चुके हैं, रात हो चुकी है, खाना खाएंगे सोएंगे। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।